चीन में बने पटाखों के आयात पर पाबंदी है, लेकिन मुनाफा ज्यादा होने से अवैध रूप से बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने बताया कि चाइनीज पटाखे सस्ते हैं, लेकिन सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद खतरनाक हैं। जाजू ने कहा कि चीनी पटाखों में काफी सस्ते पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। देर रात तक पटाखे फोड़ने से अनिद्रा और तनाव के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण से मानसिक नुकसान और चिड़चिड़ापन हो जाता है। पटाखों से फेफड़े, आंख, नाक, कान, गले आदि का इन्फेक्शन होकर के ताउम्र बीमारी हो सकती है तथा व्यक्ति अंधा या बहरा भी हो सकता है। जाजू ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को चीनी पटाखों से दूर रखकर उनका जीवन सुरक्षित बनाएं। कई लोग फटाके चला करके और लोगों के मानव जीवन को खतरा पैदा करते हैं, जिसमें खासकर चाइनीज फटाके जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत नुकसानदायक होते हैं। पटाखे जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिन, नाइट्रोजन व कार्बोलिक एसिड जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलती है, जिससे मानव जीवन में रिंग कैंसर, पेड़ पौधों के जलना, कई जो जलाशय है वो भी दूषित हो जाते हैं। जलीय जीवों को मरने की आशंका रहती है। इन गैसों से ओजोन परत में छेद होने का खतरा भी बना रहता है। उसके साथ साथ जो फटाकों से फेफड़े, आँख, नाक, कान, गले में इन्फेक्शन होकर बीमारियाँ हो सकती हैं। ऐसे में अंधे होने का भी खतरा रहता है, और खासकर बच्चे जिनके हाथ जल जाना, मुंह जल जाना, आंखें जल जाना, जिससे अनेक खतरा उत्पन्न होता है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे पटाखे जलाएं या फूल झड़ियाँ जलाएं जिससे मानव जीवन को खतरा पैदा न हो, पशु पक्षियों को नुकसान न हो, और हमारे झील जलाशय और बाजार में भीड़ भरी जगहों में फटाके जला करके और एक आग लगने का भी अंदेशा रहता है। खासकर कई शैतानी करने वाले लोग पशु पक्षियों के पूंछ के पीछे फटाखों की लड़ लगा के छोड़ देते हैं, जो कानूनी रूप से तो अपराध ही, और फटाके सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नियमों की पालना करते हुए चलाएं,